भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में जिस कर्नाटका को अपना दरवाजा मानती है पैर पसारने के लिए एक बार फिर से बीजेपी की वहां पर सरकार बन चुकी है। अब से कुछ ही मिनट पहले, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बी एस येदुरप्पा ने शपथ ले ली है, मगर 31 तारीख को बी एस येदुरप्पा को अपना बहुमत विधानसभा में साबित करना होगा। आखिर आंकड़े क्या बता रहे हैं इस वक्त, स्थिति क्या? हमारे साथ में मिहिर जी हैं। किस तौर पर आगे की सिचुएशन है, बी एस येदुरप्पा की मुश्किलें आसान हैं या अभी बहुत कुछ उतार चढ़ाव होना बाकी है? देखिए, बीजेपी बहुत दिनों से कर्नाटक कुर्सी पर निगाहें जमाई हुई थी और आखिरकार वही हुआ जिसका सबको आभास था। येदुरप्पा की सरकार बन चुकी है, वो मुखिया हैं अब सरकार के, लेकिन उनके लिए चुनौतियाँ बहुत मुश्किल हैं क्योंकि कर्नाटक मंत्रिमंडल में पद सिर्फ 34 है जब वो मंत्री बना सकते हैं। क्या विधानसभा स्पीकर के उस फैसले को लेकर के भी स्थितियां बदल सकती हैं अगर आयोग करार देते हैं विधायकों को? नहीं, वो स्थितियां तो अपनी जगह है, उनके लिए एक संवैधानिक प्रावधान है, उसके हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार बन भी गई, अब तो बन चुकी है और आगे मंत्रिमंडल गठन भी होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल में किस किस को एडजस्ट करेंगे। 34 उनके पास सीटें हैं जितने मंत्री बना सकते हैं, लेकिन बाकी अंतर्कलह की एक स्थिति पैदा। जी हाँ, 55 दावेदार हैं, तो येदुरप्पा किस किस को मंत्रिमंडल में समेट, येदुरप्पा किस किस को मंत्रिमंडल में जगह देंगे, ये एक अंतर्कलह की सिचुएशन है। मगर आशिमा कैसे देखे, क्या कर्नाटका के बाद में मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है? बिल्कुल, यही देखने की यहाँ पर कोशिश कहीं ना कहीं जब्बार की जा रही है। और अब हालांकि जैसे कि मेयर ने बताया आपको कि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं वो कामयाब होगी, और वो कामयाबी आज भी और आज जो कुछ देखा अब से थोड़ी देर पहले, जैसा कि शपथ ग्रहण हुआ है, मगर 31 तारीख तक फ्लोर पर पास होना है, उस बहुमत के जादुई आंकड़े को हासिल करना है जो इस वक्त जरूरत है बी एस येदुरप्पा के लिए।